सो देखो बेटा, जो आज अपन असाइनमेंट कर रहे हैं, सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इफ 70 कैलोरी ऑफ हीट, मतलब जड़ी हीट है इट इज 70 कैलोरी है, इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। सो आइडियल गैस है, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये जड़ी हीट दिती है ना बेटा, ये एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे दिती है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब 5 सेल्सियस डिग्री या 5 केल्विन लिख सकते हैं। हम तुसी कैलकुलेट की करना, एक तो बेटा वर्क डन करना है, दूसरा तुसी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, और तीसरा निकालना मैं पुत डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ। क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर थानू पता आइडियल गैस लई पुत पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अगर अपन इस नु डिफरेंशिएट करिए, पीडीवी इज इक्वल टू एनआरडीटी, क्योंकि अपन जो डिफरेंशिएट कीता ना एट कांस्टेंट प्रेशर है, बट पीडीवी ता है वर्क डन, इहदा मतलब टोटल वर्क डन की हो गया पुत एन आर, ते डीटी नू इंटीग्रेट करो वो बन जाना एन आर। तो T1 तो T2 कर सकते हैं ना, इनिशियल टू फाइनल, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। सो इहदा मतलब हुण तुहानू बेटा नंबर ऑफ मोल्स पता वा, वेरी गुड, चेंज इन टेम्परेचर पता वा 5 केल्विन, ते आर तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू थानू ने दी हुई है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो ये हो गया काम, है ना, कर लोगे हम। तुसी हुण पुत्र जदों आपा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कढ़नी है तो थानू याद आ जाना चाहिदा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तुसी पहले स्टेप दे विच वर्क डन कढ़ चुके हैं, क्यू थानू दिता वा, तो डेल्टा यू की हो गया क्यू माइनस डब्ल्यू, उतो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाए, तो वो भी गल बन गई। हुण आ जाओ एफ ते डिग्री ऑफ फ्रीडम। हुण ओदे लई थानू याद आना चाहिए पुत्र कि जड़ी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा एन सीवी डेल्टा टी होंगी, है ना। हुण तुसी बी स्टेप दे विच चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर चुके, ते नंबर ऑफ मोल्स थानू दिता वा, चेंज इन टेम्परेचर भी थानू दिता, तो तुसी सीवी निकाल लोगे, तो सीवी निकल आया, ठीक है। हुण ये जड़ी सीवी दी वैल्यू आई है पुत, तो सीवी निकाल लिया, सीपी निकाल सकते हैं सीवी प्लस आर करके, ते गामा दी वैल्यू होंगी है सीपी बाय सीवी, रेशो ले लेनी है। हुण अगर थोड़ा गामा दी वैल्यू से 1.67 आ जाती है, तो इहदा मतलब तुसी समझ जाना कि जिहड़ी आइडियल गैस है ना पुत्र, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल दी बनी है, ते मोनो एटॉमिक लई डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हुंदा। ते जे थोड़ी वैल्यू 1.4 आ जाती है, तो तुसी समझ जाना कि थोड़ी गैस डाई एटॉमिक है ना। तो इस तरह नाल तुसी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कर लोगे बेटा। यस सर। फिर देखो जेडी सेकंड प्रॉब्लम है, उदे विच थानू की दिता होया 0.014 kg ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जरा मास है 0.14 kg गिवन है थानू, और टेम्परेचर थानू पुत्र दिता होया
273 plus 27 is equal to 300 Kelvin. और जेड़ा वैसल है उदा वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, ये सिलेंडर नहीं है, ये वैसल होने करके वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये गल कुछ गल है जड़िया थानू प्रैक्टिस तो पता लगन गया। तो हाउ मच हीट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द गैस टू डबल द आरएमएस स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। तो जड़ी आरएमएस स्पीड है वो डबल हो जाए। हुण इत्थों गल समझो, जदों आपां बेटा कॉन्सटेंट वॉल्यूम ते हीट दवांगे टेंपरेचर विल इनक्रीज, ठीक है, और आरएमएस स्पीड डबल हो गई। हुण थानू याद आना चाहिए जिहड़ी आरएमएस वेलोसिटी हुंदी है ना, वो हुंदी है अंडर 3RT/m। मतलब आरएमएस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेंपरेचर। हुण अगर आ थोड़ी डबल हो रही है तो टेंपरेचर 4 times हो रहा है। सो इहदा मतलब गल समझो, क्योंकि आरएमएस वेलोसिटी नू डबल करना मीन्स टेंपरेचर नू 4 times करना पड़ेगा। तो थोड़ा इनिशियल टेंपरेचर पुत्र दिता होया 300 केल्विन, तो थोड़ा फाइनल टेंपरेचर 1200 केल्विन होएगा। तो मतलब आप आरएमएस वेलोसिटी नू, क्योंकि आरएमएस वेलोसिटी नू डबल करना, तो इट मीन्स टेंपरेचर जेड़ा वा वो आरएमएस दा स्क्वायर, मतलब डबल दा स्क्वायर 4 times करना पड़ेगा। तो इत्थों आपां ए जज कीता। तो जदों हुण तुहानू पता लग गया तो चेंज इन टेंपरेचर तुसी किन्ना करना वा 1200 माइनस 300 900 केल्विन। तो हुण इस केस दे विच हीट कढ़नी है कांस्टेंट वॉल्यूम। हुण कांस्टेंट वॉल्यूम दे लई हीट कढ़न दे लई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ, ਤਾਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹ ਡਾਈਐਟੋਮਿਕ ਗੈਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ CV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਈਐਟੋਮਿਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 5/2R। ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 900, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कितना काट सकते हैं हम। तो आ थानू गिवन मास ऑफ गैस है, तो जो आप नाइट्रोजन दे गिवन मास नू दे मॉलिक्यूलर मास ना डिवाइड करांगे तो ओ नंबर ऑफ मोल्स 1 बन जाएगा ना थोड़ा, क्योंकि कितना सॉरी N2 दा मॉलिक्यूलर मास होएगा 28 ग्राम है ना, तो ये हाफ मोल बन जाएगा। तो थोड़े नंबर ऑफ मोल्स जेडे है वो बन जाएगा 0.014 केजी ओवर, तो 28 × 10⁻³ है ना केजी, तो वो हाफ मोल आ जाएगा थोड़ा इनटू हाफ। तो आ थोड़ा आंसर आ गया। हुण जिहड़ी आर दी वैल्यू थानू दित्ती हुई है पुत्र वो कैलोरी च दित्ती होण करके तुसी थोड़ा जिहड़ा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ओ या क्यू वी है ओ थोड़ा कैलोरी च आंसर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? यस सर। ए कांसेप्ट नु मतलब देखो हमने क्वेश्चंस जेडे सिलेक्ट कीते आ पुत्र, इदे च हर कांसेप्ट नु इन्वॉल्व करन दी मैं कोशिश कीती है, तो इनु कोटा नहीं लाना, इनु थोड़ा समझन दी कोशिश करो। तो जिथे नहीं लग रहा थ्योरी वाल जाओ, जो उत्थे भी नहीं लग रही गल समझ फिर मेरे को आओ, बट इनू समझ के करूंगे तो कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएंगे थोड़े, और एक कंपटीशन ले भी इक्वली गुड है टॉपिक्स। थर्ड स्टेटमेंट जेडी है पुत्र थोड़ी, इहदे विच थानू दित्तियां होईयां 2 perfect गैसेस, परफेक्ट मीन्स आइडियल गैसेस। तो एक दा टेंपरेचर T1 है, दूसरे दा T2 है, उन्होंने मिक्स किया, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, फाइंड दा टेंपरेचर ऑफ दा मिक्सचर इफ दा मासेस ऑफ दा मॉलिक्यूल्स आर M1 M2 एंड दा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर N1 N2 नंबर ऑफ। गल समझो बुत, तो जदों तुसी दो चीजां नू
मिक्स करते हैं, कॉन्टैक्ट च लियाने हैं, हीट एक्सचेंज होंगे और दोनों जेडे आपस च थर्मली कॉन्टैक्ट च आते हैं तो वह फाइनली थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे है और उन्होंने टैंपरेचर अलग हो जाता। तो वह आप मान लिया कि जो दो गैसिज नपस के कॉन्टैक्ट च रखिया है ना ता हीट एक्सचेंज हुई। आप अपने गल अपने आप को समझाने लिए आप मान लें कि जो टी वन है ग्रेटर दैन टी टू है, ठीक है। तो हुण तुहानू पता जो भी ना कुछ दो ऑब्जेक्ट्स जिन्हां दे डिफरेंट टैंपरेचर्स है उन्हां नू असीं थर्मली कॉन्टैक्ट च रखते हैं तो जिहड़ा थर्मल इक्विलिब्रियम टैंपरेचर आता उहदी वैल्यू उन्हां दो टैंपरेचर्स दे इन बिटवीन होंदी है। सो इहदा मतलब जे टी वन टी टू तो वड्डा वा इट मीनस टी जिहड़ा थर्मल इक्विलिब्रियम टैंपरेचर है उहदी वैल्यू टी टू तो ज्यादा होएगी बट टी वन तो घट होएगी। इहदा मतलब हुण होया की है जिहड़ी पहली गैस है गैस नंबर वन तो इहदा टैंपरेचर घटिया है ना ते दूसरी दा टैंपरेचर वधिया तो एक ने एनर्जी गेन की एक ने लॉस की। तो हुण आइडियल गैस दे केस च एनर्जी लॉस दा मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो किन्नी आएगी तो वह होएगी एन सी वी डेल्टा टी दा कंसेप्ट। हुण जिहड़ा एन है वह पहली गैस लई तां बन गया एन वन सी वी ते डेल्टा टी पहली गैस लई की हो गया आप डेल्टा टी च वड्डे तो छोटा माइनस करते हैं ना तो पहले केस दे विच आ हो गया और दूसरे विच इदा लिख लिया। हुण बेटा जिहड़ा एक दा लॉस एक दा गेन है तो न्यूमेरिकली दोनों बराबर है तो आप की लिखांगे एन वन सी वी T1 minus T is equal to N2 CV T minus T2 है ना। ये थानू समझाया होया कि जे ता डेल्टा टी नू आपां लार्जर माइनस स्मॉलर टैंपरेचर वांग लिखना फिर ता साइन नहीं लेना आपां बट अदरवाइज लॉस गेन दे लई प्लस माइनस लिखदे। तो हुण जदों आपां इहनू सॉल्व करांगे CV ता दोनां लई सेम होण करके कैंसल आउट हो गया तो इत्थों तुसीं T दी वैल्यू निकाल सकदे हां ना तो वो वैल्यू तुसी निकाल ले। समझ आई पुत्र गल? यस यस। फिर पुत्र फोर्थ प्रॉब्लम देखो तुम्हें की कह रहा कि कॉलम ऑफ मर्करी ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ इज कंटेन्ड in the middle of a narrow horizontal 1 meter long tube which is closed at both ends. So, main putar sab to pehla draw kar rahe hain 1 meter long tube. So, edi length hai 1 meter. So, ede middle te सेंटर च 10 सेंटीमीटर मरकरी है, मरकरी ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ। हुण अगर सेंटर ते मरकरी है तो अंडरस्टूड है आ लेंथ 45 सेंटीमीटर है और आ लेंथ भी 45 सेंटीमीटर है और ए गैस है ना, गैस भी केड़ी एयर उन्हें लिखिया होया आ गैस। हुण पुत्र मन लो गल नूं समझियो, मन लो हुण तुसी की नोट करते हैं स्टेटमेंट नूं पढ़ो। हुण आ जिहड़ी दोनों साइड ते गैस है तो इहदा वॉल्यूम किन्ना वा जे नोट करो तो अगर आपां मान लईए कि लेट जो ए है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ट्यूब का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुत्र नूं ध्यान नाल समझो। सो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए ता आ जिहड़ी लेफ्ट एंड है आ राइट एंड है ना, तो लेफ्ट एंड दे विच वॉल्यूम किन्ना हो गया
लेफ्ट एंड का वॉल्यूम कितना हो गया पुत्र? तो आप कह देने हैं देखो कि जिहड़ा लेफ्ट एंड है इहदे च गैस पे नंबर ऑफ मोल्स है N1। अच्छा हुण टेंपरेचर दोनों साइड्स पे बराबर ही होना वा, क्योंकि टेंपरेचर बारे उन्हें कोई गल नहीं की साडे नाल, तो सेम ही है, अंडरस्टूड है। तो हुण तुहानू याद होएगा जिहड़ा लेफ्ट एंड है लेफ्ट, तो उहदे लई अगर आपां आइडियल गैस इक्वेशन प्रेशर वॉल्यूम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फार्मूला लगाइए ता लेफ्ट एंड ते प्रेशर कितना दिता होया उसने, कहिंदा बोथ द हाफ्स ऑफ द ट्यूब कंटेन एयर एट ए प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो इस करके जेड़ा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी मतलब आपां प्रेशर मान लैने आ दोनों साइड्स ते पी नॉट, पी नॉट की वैल्यू बाद चो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है ना, एक्चुअली एटमोसफेरिक ही है एक तरह का। चलो हुण जेड़ा लेफ्ट है उत्थे पी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट, वॉल्यूम कितना वा, वॉल्यूम बनेगा एरिया इंटू 45 सेंटीमीटर है ना, इज इक्वल टू N1RT। ते जेड़ा राइट एंड है उहदे विच वी इदां ही बनेगा, पी नॉट एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू N2RT। तो N2 की है ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये अपन दो इक्वेशंस लेफ्ट और राइट लई लिख रहे हैं। हुण अगली लाइन नू पढ़ियो बड़े ध्यान नाल, कहिंदा व्हाट डिस्टेंस विल द कॉलम ऑफ मरकरी बी डिस्प्लेस्ड इफ द ट्यूब इज held vertical। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਪਈ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਟੀਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਲੌਜਿਕ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਬ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈਫਟ ਸੀ, ਆਹ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਲੈਫਟ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਕਰੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ, ਸੇ ਐਕਸ, ਤੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 45 ਪਲੱਸ ਐਕਸ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋ ਗਈ 45 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ, ਔਰ ਆਹ ਤਾਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? अच्छा हुण जिहड़ा उपर प्रेशर है वो हो गया PL, नीचे हुण हो गया PR, गैस दा प्रेशर। हुण पुत्र ध्यान दियो, जे आपां इत्थे इक्वेजन ऑफ गैस लगाइए तां हुण प्रेशर हो चुका PL, पर ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ A ਇੰਟੂ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਲੱਸ, ਸੋਰੀ ਉਲਟਾ ਲਿਖ, ਆ ਲਿਖਦਾ 45 ਪਲੱਸ X ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ RT। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੋ ਏ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪੁੱਤ। ਸੋ ਪੀ ਨੋਟ ਇੰਟੂ 45 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PL ਇੰਟੂ 45 ਪਲੱਸ ਐਕਸ। ਅੱਛਾ ਪੀ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਚ ਰੋ ਜੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਕਰਕੇ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
76 ही पुट करना चाहते हैं तो जो पी एल है उसकी वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंगली आ जानी है ना। अच्छा पर उस तो पहला देखो पुत्र एक होर गल सुन, हुण आ इक्वेजन जिहड़ी तुहाडी बन गई इहनूं अपने कोल संभाल के रखना वा। हुण राइट वल इधर आ जाओ, हुण इहदे विच भी जे आपां राइट साइड भी इक्वेजन लिखीए तां इह बन गई है पी आर ए 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू एन टू आर टी। और जो आप रेशो लवेंगे है ना इन्हों इक्वेट करा दोनों राइट वाले क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो ये पी नॉट 45 के बराबर आएगा पी आर ए ए कट्टे जाने है ना तो पी आर इंटू 45 माइनस एक्स तो आ एक होर इक्वेजन बन गई थोड़ी। हाले आंसर नहीं पहुंचे आप एक्स कटना सी हुण सानू केड़ा इंतजार करना पैना पुत्र देखो ध्यान नाल दियो देखो कि एक्चुअली जेड़ा प्रेशर पी एल है और आ मरकरी का प्रेशर है 10 सेंटीमीटर मरकरी का प्रेशर है तो ये दोनों प्रेशर कितने ना बैलेंस कितना हो रहे हैं। मैं आ दोबारा डायग्राम तुहाडे सामने बना रहा अलग आ मैं ट्यूब खड़ी करती पुत्र तो आ जड़ी मरकरी है ना आ वाली मरकरी ते आ वाला प्रेशर पी एल है ये प्रेशर भी थल्ले नू है मरकरी करके भी थल्ले नू है जबकि आ पी आर उपर नू है मीन्स प्रेशर जड़ा आर है ना वो किहदे बराबर है पी एल प्लस मरकरी का प्रेशर 10 सेंटीमीटर मरकरी का प्रेशर तो 10 सेंटीमीटर मरकरी रोजी। हुण पी आर की वैल्यू जिहड़ी है वो आप इत्थों पुट कर सकते हैं कि बराबर पी नॉट 45 ओवर 45 माइनस एक्स ते पी एल की वैल्यू आप इत्थों पुट कर सकते हैं पी नॉट 45 ओवर 45 प्लस एक्स प्लस 10 सेंटीमीटर मरकरी है ना तो आ जिहड़ी डेंसिटी है ना पुत्ते मरकरी की है ध्यान रखिए। और पी नॉट की जगह तुसी की लिख सकते हैं तो पी नॉट की जगह तुसी लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी रोजी। ठीक है हुण इनू सॉल्व करके हुण इनू जे सॉल्व करना प्रॉपर वे दे विच है ना क्योंकि टाइम भी सेव करना होंदा आपां तो तुसी की कर सकते हैं इधर देखो हुण इदां करीदा तो मैं की करन लगा इत्थों कुछ पोर्शन इरेज कर रहा आ मैं इरेज करता क्योंकि आप नोट कर लिया मन रहे है ना तो हुण मैं इनू इरेज करके क्योंकि इसे पेज ते मैं सॉल्व करना चाहना ताकि थोड़े सामने साफ होए तो तुसी आ देखो हुण इनू पता की करना तुसी 45 पी नॉट ओवर 45 माइनस एक्स माइनस ये भी 45 पी नॉट ओवर 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ऑफ रो जी है ना। हुण 45 पी नॉट कॉमन आ गया 45 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर 45 प्लस एक्स ये बाकी तो सॉल्व कर लियो तुसी है ना रो जी है ना। हुण आ जिहड़ा तुहाडा पी नॉट है जदों तुसी इहदी जगह ते 76 सेंटीमीटर रो जी लिखोगे तो तुहाडा टाइम सेव हो गया कैलकुलेशन नहीं करने की लोड़ है ना क्योंकि ये दोनों साइड्स से कैंसल आउट हो गए आ रोजी रोजी कटे गए और आ सेंटीमीटर भी कटे गए। हुण आ बाकी बची इक्वेजन नु सॉल्व करके तुसी एक्स की वैल्यू निकाल लोगे पुत्र यस हां जी सर हां तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान च रखो ते फिफ्थ क्वेश्चन जेड़ा वा वो है कि बबल ऑफ एयर हैविंग वॉल्यूम 20 क्यूबिक सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ ए लेक 31 मीटर डीप वेयर द टेम्परेचर इज 7 डिग्री सेल्सियस। तो आ बेटा थोड़े सामने आ गई लेक
लेक दे विच तां पानी ही होएगा है ना। तो इस लेक दे अंदर वो कहिंदा कि एक बबल है, एयर बबल, जिसकी डेप्थ है 31 मीटर और इथे ओदा टेंपरेचर है 7 डिग्री सेल्सियस। ते जदों ये बबल टॉप ते पहुंचिया पुत्र, ये बबल राइज करके जदों टॉप ते पहुंचिया तां इहदा टेंपरेचर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। ते हुण गल नूं समझो, हुण एक्चुअली जदों बबल ए तो बी पहुंचिया तां बबल दे अंदर जिहड़ी हवा आ उहदी अमाउंट सेम रही, उहदी अमाउंट च नहीं फर्क पिया। मतलब ए और बी दोनों जगह ते बबल दे अंदर एयर दे नंबर ऑफ मोल्स सेम रहे। हुण गैस लई, फॉर एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स की हुंदे आ पीवी बाय आरडी। हुण पुत्तर जिहड़ा ए पॉइंट है और जिहड़ा बी पॉइंट है, दोनों जगह ते क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम रहे है, इस करके प्रेशर एट ए, वॉल्यूम एट ए, आर टेम्परेचर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, वॉल्यूम एट बी, आर का कैंसल आउट ही हो जाना। हुण प्रेशर एट ए कितना वा पुत्र, तो ए ते प्रेशर है जिहड़ा पी ए है, इहदी वैल्यू एटमोसफेरिक प्लस एच रो जी। हुण इत्थे एच 31 मीटर है और रो पानी की डेंसिटी लैनी है, जो कि ये पानी के अंदर डेप्थ है ना, सो 10^3 केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। अच्छा, जिहड़ा बी पॉइंट है उत्थे प्रेशर एटमोसफेरिक है, ते एटमोसफेरिक प्रेशर की वैल्यू उन्हें कितनी दित्ती हुई है पुत्र, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो जो पी एटमोसफेरिक कढ़ना, तो 76 सेंटीमीटर रो का मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी 3.6 × 10³ और जी की वैल्यू 9.8 है ना। जबकि जो आप एच रो जी, आ वाला एच रो जी है, एच है डेप्थ इन वाटर है ना 31 मीटर, रो की वैल्यू पानी की डेंसिटी है, मरकरी की नहीं ला लेनी, और जी 9.8। अच्छा, हुण वॉल्यूम एट ए कितना वा पुत्र, तो ए पॉइंट ते वॉल्यूम दिता होया उसने 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, ते बी पॉइंट ते वॉल्यूम कढ़ना सी आपां, ते टेंपरेचर एट ए कितना बनिया उहनूं आपां केल्विन च लै लेना 273 + 7 = 280 केल्विन, और टेंपरेचर एट बी की है 300 केल्विन। ए सारी वैल्यूज पुट करके ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਪੁੱਤ, ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਬਲ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤੋ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਬਲ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਟ ਉਹਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੋ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਏ ਔਰ ਬੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਿਰ ਸੇਮ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਡੈਪਥ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 7 ਹੈ, ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ 27, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਤੋ ਜੇ ਏ ਔਰ ਬੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਟੀ ਏ ਟੀ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੀ ਏ ਵੀ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਵੀ ਵੀ ਵੀ, ਬੋਇਲ ਚਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੁਮੈਰੀਕਲਸ